आप सभी लोगों को आज मैं जानकारी जो देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, आप लोगों को बी अवेयर होना पड़ेगा अपनी गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन कराने से पहले, क्योंकि अभी कोर्ट के अंदर जो एक कोर्ट के अंदर जो जज साहब थे उन्होंने एक फैसला दिया है और एक व्यक्ति के ऊपर जिसके पास महिंद्रा थार थी और उसको मॉडिफिकेशन कराने के तौर पे उसको मुजरिम ठहराया गया, उसको वायलेटर ठहराया गया, कानून को उल्लंघन करने का एक एक्यूज पर्सन ठहराया गया और उस व्यक्ति के खिलाफ ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया गया। और साथ ही में कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है जो आपको भी बहुत सुन के अजीब लगेगा, कोर्ट ने एक ऐसी तरीके की पनिशमेंट दी है जो आपको सुन के बहुत अजीब लगेगी, लेकिन एक्चुअल में कोर्ट के मानने में लीगली तौर पे बिल्कुल सही बात है। सेक्शन नंबर 52 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर यह प्रोविजन है, जिस प्रोविजन को वॉयलेट करा है एक्यूज पर्सन ने अपनी महिंद्रा थार को मॉडिफाई कराने के लिए। तो जज साहब ने यह पाया कि भाई एक्यूज तो खुद अपने आप को प्लीड गिल्टी कर रहा है, तो जज साहब भी मजबूरन उस एक्यूज को जो है कन्विक्ट करा गया और कन्विक्ट करने के बाद सजा सुनाई है ₹5,000 का जुर्माना और एक जो अजीब तरह की पनिशमेंट सुनाई है, मैं आपको उस पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको मैंने ये वीडियो बनाने का एक मोटिव यह है, एक इंटेंशन ये है ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिल पाए, जो भी आप कोई अपने पास व्हीकल रखते हो उसको मॉडिफाई कराना चाहते हो तो कराने से पहले कहां तक का आप मॉडिफाई करा सकते हो, कहां तक का मॉडिफाई नहीं करा सकते, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आप सभी लोग जुडिशरी की अनअकैडमी के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सकते हो, बस आपको कोड यूज करना है SLG10 का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरे को जो है MCQs की टेस्ट सीरीज चाहिए, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को अनअकैडमी के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल सकती है? जी हाँ, मंडे टू फ्राइडे आपकी सारी लॉ सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है। आपको हर एक सब्जेक्ट जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं IPC, CRPC, CPC, कॉन्ट्रैक्ट, TPA एक्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी एज अ प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे कराई जाती है अनअकैडमी की तरफ से। साथ ही में यहाँ पर अनअकैडमी पे एक फ्री क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी होता है, फ्री क्लासेस को अनअकैडमी में बोला जाता है स्पेशल क्लासेस, तो आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। साथ ही में अनअकैडमी पे सैटरडे के दिन डेली हर सैटरडे यहां पे MCQs के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के फॉर्म में MCQs की एक टेस्ट सीरीज होती है जो केवल और केवल करंट अफेयर्स की एक स्पेशल क्लास कराई जाती है अनअकैडमी की तरफ से। कोई भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज करके ज्वाइन डेली बेसिस पे कर सकते हो और इनफैक्ट मेरी भी प्रोफाइल आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि कोर्ट ने फाइन लगाया ₹5,000 का, वॉयलेशन कराया सेक्शन नंबर 52 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, तुम्हारे ऊपर कोर्ट ₹5,000 का जुर्माना लगाती है। तो यहां पे मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर की एक कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कौन से स्टेट की बात है। तो जम्मू एंड कश्मीर की कोर्ट ने एक व्यक्ति के ऊपर ₹5,000 का इलीगल मॉडिफिकेशन एक टैग लगाया है, इलीगल मॉडिफिकेशन तुमने करी है और इलीगल मॉडिफिकेशन अपनी महिंद्रा थार में करी है, किस बारे में बात करता है? सीधी बात है कि अगर कोई भी वॉयलेटर, मतलब जो अपने मॉडिफिकेशन करता है तो उसको एक वॉयलेटर बोलते हैं कि भाई उसने उल्लंघन करा है कानून का, कानून कुछ और कहता है तो उसने ना मानकर उल्लंघन करा है कानून का, इसको हम वर्ड बोलते हैं वॉयलेटर। तो जो भी कोई वॉयलेटर गिल्टी पाया जाता है, अपने आप को प्लीड गिल्टी करता है, फॉर एग्जाम्पल जिसने अपनी महिंद्रा थार है कोर्ट में आया होगा और बीन अ जज जज साहब ने पूछा होगा कि भाई तुमने अपनी महिंद्रा थार को जो है मॉडिफाई कराया है और जो वॉयलेटर है उसने अगर एग्री करा तो यहां पे बंदे को क्या माना जाएगा कि वॉयलेटर खुद अपने गुनाह को कबूल कर रहा है और अपने गुनाह को प्लीड गिल्टी कर रहा है। तो इसी वजह से जज साहब ने कोई एविडेंसेस ना कोई अदर क्वेश्चनिंग करेंगे, डायरेक्ट अपना जजमेंट सुना देंगे, डायरेक्ट उस अपराधी को, उस वॉयलेटर को सजा सुना देंगे। ओरिजिनल जो फॉर्म होती है ना उसको अगर आप मॉडिफाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल RC में आपके लिखा है कि भाई आपका RC में काले कलर का, ब्लैक कलर की गाड़ी का रंग है और आप उसको चेंज करके ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, कोई भी XYZ कलर करवा देते हो, लेकिन आपकी RC में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो कलर छपा हुआ है वो कलर चेंज करके आप कुछ और करा देते हो, या फिर आपको लगता है कि भाई मेरे जो ओरिजिनल तरीके से जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है वो दो बंपर, एक आगे और एक पीछे, छोटे छोटे बंपर लगा के देता है, आपने वो बंपर उतरवा के बहुत बड़े बड़े बंपर लगवा रखे हैं, तो ये ओरिजिनल फॉर्म से एक मॉडिफाई फॉर्म में आ जाती है तो इसको भी इलीगल मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में डाला जाता है अंडर सेक्शन नंबर 52 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। तो याद रखिएगा कि जो भी आरसी के अंदर आपका रंग चढ़ा हुआ है, रंग चेंज कराना, या ओरिजिनली जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा गाड़ी भेजी जाती है बनाकर उसको आप पूरी की पूरी चेंज कर देते हो, भाई बंपर अलग कर दिए, हेडलाइट अलग कर दी, ग्रिल्स अलग कर दी, शीशे अलग कर दिए, सब कुछ अलग कर दिया, तो क्या बचा फिर ओरिजिनल फॉर्म में? अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी जो है चोरी हो जाती है और उस गाड़ी के चोरी होने के बाद उस गाड़ी से कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो गाड़ी
जो है ट्रेसेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आरसी में जो डिटेल्स मेंशन करी हुई होंगी, आरटी ऑफिस के अंदर जो डिटेल्स मेंशन होगी कि ये गाड़ी जो है काले रंग की है, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी का जो है सफेद रंग कर दिया, कोई और रंग कर दिया, गाड़ी का जो है महिंद्रा कंपनी थार की है फॉर एग्जांपल, अब वो थार ना बनाकर आपने कोई और कंपनी की गाड़ी बना रखी है, तो ऐसे पुलिस को पकड़ने में उस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, ऐसी गाड़ी को ढूंढने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, और क्राइम ऐसे जो लोगों के द्वारा आसान हो जाएगा, हर कोई अब क्राइम गली गली में करने लगेगा, और जो गाड़ियां पकड़नी चाहिए पुलिस को वो गाड़ियां पकड़ ही नहीं पाएंगी जब आपने पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन करा ली होगी। तो इसके पीछे इतना बड़ा लॉजिक होता है, गाड़ी के अंदर आप अगर मॉडिफिकेशन कराते हो तो आपको अपराधी बना के आपको सजा दी जाती है। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि यार यहां पे सजा क्यों दी जाती है, ये रीजन होता है, मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया। तो जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और साथ में अगर मान लेते हैं आपको मॉडिफिकेशन करानी है, लीगली तौर से आप करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। कैसे करा सकते हो, सीधा मैं आपको रास्ता बताता हूं। आप जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आरटीओ की अथॉरिटी होती है ना, जिस भी गाड़ी में आपने आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं तो आरटीओ के ऑफिस में रजिस्टर्ड होगी, तो वो आरटीओ के ऑफिस में जाइए, वहां पे एप्लीकेशन डालिए कि भाई मैं अपनी गाड़ी में ये चेंजेस कराना चाहता हूं, तो आरटीओ आपसे एप्लीकेशन मांगेगा। आरटीओ को लगता है कि हाँ आरसी के अंदर ये छोटे गाड़ी के अंदर ये चेंजेस हो सकते हैं, आप ये करा सकते हो, जो भी आरटीओ चाहता है। तो फिर वो आरटीओ से एक फीस मांगेगा, भाई कोई भी फीस हो सकती है, आरटीओ के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग पार्ट्स की क्या क्या फीस होती है। तो फीस भरने के बाद आरटीओ आपको पूरा का पूरा सर्टिफिकेट देगा कि भाई हाँ अब आप ऐसी मॉडिफिकेशन करा सकते हो, आरसी के अंदर भी अपडेट करेगा, फिर आप मॉडिफिकेशन इजीली तौर से करा सकते हो, लीगली तौर से करा सकते हो। कोई पुलिस वाले या कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन आपको रोकता है तो आपका चलान एक रुपए का भी सेक्शन 52 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कट ही नहीं सकता। एम आई क्लियर, याद रखिए, क्योंकि सेक्शन 52 के अंदर यह प्रोविजन है। आप आरटीओ के ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए और फिर मॉडिफिकेशन कराइए, दैट्स इट। एम आई क्लियर, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर कोर्ट ने डायरेक्ट करा आरटीओ के ऑफिस में भी कि भाई जो भी अभी आज आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि कोर्ट ने एक अजीब सी सजा दी है, तो 5000 रुपए का तो जुर्माना लगाया, ऊपर से कोर्ट ने बोला कि आरटीओ ऑफिस हम तुम्हारे को डायरेक्शन देते हैं कि ये जो बंदे को गाड़ी है ना इसकी थार महिंद्रा थार इसके अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशन है ये सारी की सारी मॉडिफिकेशन को निकाल के वॉयलेटर को हाथ में थमा दो, ठीक है, और जो मॉडिफिकेशन थार में हुई है उसको निकालने में जितना खर्चा आएगा वो खर्चा भी वॉयलेटर भरेगा। बताओ कितनी अजीब सी बात है ये, तो जो खर्चा आएगा वो वॉयलेटर भरेगा और ऊपर से 5000 रुपए भी भरेगा और ऊपर से जो पैसा खर्च करा है मॉडिफिकेशन में वो भी सारा का सारा गायब, मतलब वो भी सब बेकार, और जो सामान लगाया था वो भी उनके हाथ में, आप गाड़ी में नहीं लगा सकते वो सारा का सारा सामान। तो एक अजीब सी सजा जो है कोर्ट ने सुनाई है, और जितने भी इक्विपमेंट्स है वो रिटर्न करे जाएंगे किसको, वॉयलेटर को। और ये जब सारी की सारी गाड़ी को मॉडिफिकेशन के पार्ट्स को अलग अलग करा जा रहा होगा तो ये वीडियोग्राफी के थ्रू जो है रिकॉर्ड होगा, और वीडियोग्राफ जो वीडियो टेप होगी ये पूरी की पूरी कोर्ट रूम के अंदर जमा होगी जजमेंट की कॉपी के साथ में। साथ में कोर्ट ने जो है एक और डायरेक्शन दी है, जितने भी डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल है ट्रैफिक के प्रिमाइसिस के अंदर, उन सभी ऑफिसर्स को जो है कोर्ट ने डायरेक्शन कराया कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जितने भी तुम्हारे को इलीगल मॉडिफिकेशन वाली व्हीकल्स दिख रहे हैं सबको रोको, इंपाउंड करो और हमारे पास लेके आओ, दैट्स इट। तो एक कोर्ट का बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। तो आप लोग पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो के अंदर जो मैंने आपको दी है, और थोड़ा सावधान रहिए, थोड़े अवेयर रहिए, आजकल जो कानून के रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट और अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, और अगर आप ऐसी तरीके की वीडियो भी देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। आखिर में आप मेरी वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अवेयरनेस की इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बहुत कमी है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।